हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि आपके यूट्यूब चैनल भूमिका कुमारी 999 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही जल्दी बनने वाली खीर की रेसिपी, जिसे आप कभी भी किसी भी वक्त आप जल्द से जल्द बना सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है जो आपका समय तो बचाएगी ही, साथ में इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर घी बनाने के लिए लिए मैंने 70 ग्राम चावल, आप कोई से भी चावल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बासमती चावल लिए है। मेजरमेंट मैंने इसे कप से किया है, चाय वाले कप। और इधर मैंने 1.5 किलो फुल फैट मिल्क लिया है। इसे अच्छे से छान कर मैंने गैस पर उबलने के लिए रख दिया है। और इधर हम अपने चावलों को अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे। और धोने के बाद इसे मैंने अच्छे से मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लिया है। इसको हम दरदरा ही रखेंगे। ये देखिए, हमारे चावल अच्छे से दरदरे पिस गए हैं। इसको ज़्यादा महीन नहीं करना, ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। इस तरीके से हमें इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। और इधर देखिए, दूध में उबाल आ चुका है। अब हम अपने चावलों को दूध में डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि अपने ये चावल कढ़ाई में चिपके नहीं, यानी कि कढ़ाई के पैंदे में जले नहीं। इस तरीके से हमें चलाते रहना है। और देखिए, कुछ देर बाद हमारे चावल अच्छे से फूल गए हैं। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। इसे देखिए, हमने पकाते हुए 5 से 6 मिनट ही हुए हैं। और 5 से 6 मिनट के अंदर देखिए कितने अच्छे से चावल गल गए हैं। इससे ग्राइंड करने से मिक्सर में, इससे यही होता है कि आपकी जल्दी खीर बन जाएगी। अगर आप जल्दबाजी में हो तो किसी भी वक्त आप बना सकते हैं। और इधर लिए हैं मैंने कुछ केसर धागे। इससे खीर के अंदर बहुत अच्छा कलर आएगा। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह आप फूड कलर भी यूज कर सकते हैं। इसको हमने खीर में अच्छे से डाल के मिला दिया है। धीमे धीमे उबाल आने पर इसके अंदर बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इधर मैंने एक कढ़ाई में लिया है 1 चम्मच घी और इसमें डालिए हमने अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट। इसे अच्छे से हम धीमी आंच पर सेंक लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमारे ड्राई फ्रूट सेक चुके हैं। और इसे डाल देंगे हम अपनी खीर में। कुछ ड्राई फ्रूट हमने बचा के रख लिए हैं ऊपर से सर्व करने के लिए। इसे अच्छे से चलाते हुए मिला देंगे। और इधर लिया हमने 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। फ्लेवर लाने के लिए मैंने इधर यूज़ किया है। और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखना है। ये देखिए, हमारी खीर अच्छे से उबल चुकी है और चावल भी अच्छे से पक चुके हैं और इसमें गाढ़ापन आ गया है। हमें खीर को चलाते रहना है ताकि ये कढ़ाई में लगे नहीं। अगर आपको खीर को मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है तो आपको इसे चलाते रहना है ताकि ये खीर आपकी कढ़ाई में से बाहर नहीं निकले और ना ही ये जले। इधर देखिए, इधर हमने लिए है 150 ग्राम चीनी। इसकी जगह आप शक्कर या देसी खांड भी ले सकते हैं, बूरा भी ले सकते हैं। मैंने इधर 150 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। आप मीठा खाना पसंद करते हो तो बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, खीर में अच्छे से उबाल आ चुका है। चीनी डालने के बाद हमारी खीर अच्छे से बन चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में आप चिरौंजी, पिस्ता, बादाम, काजू कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। इस तरीके से मैंने चिरौंजी पिस्ते से गार्निश कर दिया है और इसके ऊपर कुछ पिस्ते भी मैं डाल दूँगी। और ये देखिए, हमारी खीर बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है। इसे कुछ देर के लिए ढककर रख देंगे और जब ये खीर ठंडी हो जाए तब उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। देखिए, हमारी खीर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। और दोस्तों, आपके घर में जब भी कोई मेहमान आने वाले हों तो आप इसे बहुत ही कम समय में जल्द से जल्द बना सकते हैं। और ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी जिस तरीके की हमें चाहिए थे उसी तरीके की परफेक्ट बनकर तैयार हुई है दोस्तों। इस तरीके से आप भी अपने घर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। तो चलिए, मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। भूमिका कुमारी 999। नमस्ते, गुड बाय।